नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार के बघा के नरवल बरवल पंचायत स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में गुरुवार को मध्याह्न भोजन खाने के बाद 125 बच्चे बीमार पड़ गए, जिन्हें बघा पीएचसी एवं अनुमंडलीय अस्पताल से आए एम्बुलेंस द्वारा सभी बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ बच्चों के पहुँचते ही पहले से उपाधीक्षक डॉक्टर केवीएन सिंह के नेतृत्व में तैयार मेडिकल टीम ने त्वरित बच्चों का इलाज करना शुरू कर दिया। घटना के बाबत एचएम सुधीर मिश्र ने बताया कि खाना एनजीओ जन जागरण क्षेत्रा मंच द्वारा लाया गया था। हमारे यहाँ कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें कुल मिलाकर 800 बच्चे हैं। अभी कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 200 बच्चों को भोजन कराया गया था, बाकी बच्चों को भोजन कराया जाना था। तभी भोजन किए बच्चे उल्टी करने लगे और पेट दर्द से चिल्लाने लगे, भोजन करने से रोक दिया गया। अस्पताल अनुमंडलीय अस्पताल और पीएचसी बघा को फोन कर एम्बुलेंस मंगाया गया और करीब 150 बच्चों को अस्पताल लाया गया। एक मिनट। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कि बच्चों को लगभग 150 बच्चों को माइनर फूड पॉइजनिंग की कंप्लेन आई। कुछ बच्चे थे जिनको कि कुछ सिम्टम नहीं भी आया। 250 के बच्चों ने फर्स्ट शिफ्ट में ये भोजन लिया। तो अब इसमें प्रक्रिया होती है कि हेडमास्टर को भी खाना टेस्ट करके देखना होता है, एक स्टाफ भी टेस्ट करता है और सिग्नेचर करता है। तो हेडमास्टर से पूछा गया है, तो उन्होंने टेस्ट किया था। उनको ऐसे खाना में बस कह रहे हैं कि तीखा ज़्यादा था, सब्जी और दाल तीखी थी, ऐसे कुछ खराब उनको नहीं लगे। बाकी उनका देखना होगा स्कूल के हेडमास्टर का कि उन्होंने रिकॉर्ड में चीज़ लिखी है नहीं लिखी है, बच्चों को क्यों दिया अगर तीखा था। और बाकी एनजीओ से भी पूछा जाएगा कि उनका क्या सिस्टम है, खाना खराब तो नहीं हो गया, कितने बजे उन्होंने बनाया था, किस तरीके से उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया। खाना तो फ्रेशली बना होगा, अगर तो ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है एक्सेसिव गर्मी के कारण ही खाना खराब हो गया। ये अब जांच करके देखना होगा ये चीज़ों के कि क्या फैसिलिटीज़ है जिसमें वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उन खाने का, और उसमें उनको सुधार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया जाए। ये सब जो हुआ है इसके लिए उसे स्पष्टीकरण जरूर पूछा जाएगा। जवाब यही है कि उनके लेवल से भी खाना को टेस्ट करके भेजा जाता है। कितने बच्चे में है बीमार? अराउंड 150 है जिनको सिम्टम्स है, और 100 के अराउंड है जो कि बिल्कुल आ गए हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई दिक्कत उनको फर्दर ना, उनको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं।